थोड़ा मन भी लगने लगा ना थोड़ा। Hi guys, good morning to all of you. एक बार हम आपसे फिर ऑनलाइन मेंशन करने जा रहे हैं आपके कोर्स से संबंधित। आपका नेक्स्ट लेसन है बच्चों ग्रामर का नाउन है। पहला लेसन आपने पढ़ा था सेंटेंस, अब आपका ये लेसन है नाउन। नाउन आप जानते ही होंगे कोई नया चीज नहीं है, लेकिन ये कि हर लेसन के साथ आप एक नई चीज जरूर सीखते हैं। नाउन मतलब क्या होता है बच्चों? संज्ञा। नाउन आप पढ़ चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग्स ग्रुप ऑफ फीलिंग इटीसी। ये आपने डिफिनेशन लिखी है, देखिए इसमें डिफिनेशन थोड़ा अलग करके लिखी गई है। नेम नाउन्स आर द वर्ड। संज्ञा वह शब्द है जो विच आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एज नेम्स ऑफ प्लेस, यानी स्थानों के नाम के लिए, व्यक्ति के नाम के लिए, वस्तु के नाम के लिए, पदार्थ के नाम के लिए और भावना के नाम के लिए। यहां डेफिनेशन इस तरह लिखी गई है। अब दिया है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले बच्चों आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब बच्चों क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी देश का नाम, ये हमने आपको पढ़ा दिया था कल, यहां तक ए तक। अब बी आपको पढ़ाना है, ए तक आप पढ़ चुके थे, बी आपको पढ़ाना है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको कलेक्टिव नाउन फिलअप करना है बच्चों। पेज 19 पे आ जाइए। इसमें आपको बच्चे पहले में भरा जाएगा, आपके बुक में लिखा है फ्लॉक लिखा है FLOC के राइट साइड में, देखिए तो यहां फ्लॉक भर लेंगे। दूसरे में बच्चों क्वायर भरा जाएगा, CHOIR क्वायर। द जंगल सफारी गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पॉट ए ऑफ लाइन। ट्रूप भरा जाएगा, क्या बना जाएगा? ट्रूप भर लीजिए। द पोचर्स वार अटैक्ड बाय द विल्ड ऑफ एनिमल्स। यहां बच्चों देखिए आपको नंबर्स ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन क्या होते हैं? नंबर्स, नंबर्स ऑफ नाउन, नंबर्स ऑफ नाउन। पहला है आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा आपका है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है बच्चों। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन दो प्रकार की होती है,
सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दो तरह की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और यहां बच्चों प्लूरल। सिंगुलर मतलब कोई चीज अकेली हो, जैसे पैर, बिल्ली, बॉय, लड़का, ये सब क्या है अकेले हैं। और अगर इसी में यह छोड़ दिया जाए यानी कैट्स, तो ये क्या होगा, ये प्लूरल हो गया। बॉयस ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो काउंटेबल नाउन इसे कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं बच्चों जिसे गिना नहीं जा सकता, जो सत्य यानी पदार्थ के रूप में पदार्थ होते हैं लेकिन स्थूल अवस्था में होते हैं। जैसे मिल्क आप गिन सकते हैं कितना दूध है, आप उसकी मात्रा का आकलन करवा सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं हो सकता कि कितना दूध है। हेयर बाल, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में बालों की संख्या नहीं गिन सकता, कोई बता नहीं सकता कितना होता है। पावर्टी मतलब गरीबी, गरीबी भी आप बता नहीं सकते, ये जरूर आप बता सकते हैं कि वो गरीब है लेकिन आप नहीं बता कितना गरीब है। गरीब तो गरीब बहुत तरह के होते हैं। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब डिसाइड वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एक्सिक्यूट नाउन। सी वाले एक्सरसाइज कर देगी, पेज नंबर आपका 20 है, इसको आपको एक्सिक्यूट करना है। एक्सिक्यूट मतलब पूरा करिए। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल द ज्वाइन द कैंप लेटर दिस ईयर। कैंडिडेट अंडरलाइन, जो वर्ड अंडरलाइन दिए गए उन्हीं को आपको बताना है कि ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। तो कैंडिडेट्स मतलब क्या होता है, उम्मीदवार, ये आप गिन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। यानी पहले आप क्या लिखेंगे, केवल आपको सी लिखने की जरूरत है बस। दूसरा, डिहाइड्रेटेड बेबीज मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। दूसरा आप वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसको नहीं गिन सकते, यू बना देंगे। तीसरा बच्चों, आई मेट सम नाइस पीपल व्हेन आई वाज वॉकिंग अलोंग द बीच। सी तीसरा है, पीपल मतलब लोग। अब लोग में आप ये बता नहीं सकते कितने लोग हैं, यानी ये आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। चौथा आपका बच्चों, द एक्सरसाइजेस ऑन दिस वेबसाइट आर वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सरसाइजेस मतलब अभ्यास, ये आप गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन। पांचवा बच्चों, द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इज डेलिशियस। मेरी माँ ने जो ब्रेड बनाया वो काफी स्वादिष्ट था, ब्रेड। तो ब्रेड भी आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है। एक पैकेट में कितना ब्रेड होता है ये आप बता सकते हैं। छठवां, माई मदर ड्रिंक्स टू बिग ग्लासेस। छठवां ये भी आपका बच्चों क्या है, काउंटेबल, ग्लासों की संख्या आप ये भी गिन सकते हैं। माई सिस्टर यूजिंग बटर सेवन, आप इसको नहीं काउंट कर सकते, सेवन वाला बटर आप भी नहीं सकते, ये यू है, अनकाउंटेबल है। माई सिस्टर आई डोंट लाइक मिल्क, मुझे दूध नहीं पसंद है, या मैं दूध नहीं पसंद करता। पांचवां, तो दूध भी आप गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन है। अब आ जाइए डी वाले पे, चेंज द अंडरलाइन नाउन्स इनटू प्लूरल, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। ये आपका हो गया है रिटन। अब डी वाली एक्सरसाइज पे आप आ जाइए। ए रैबिट्स हैज ए लॉन्ग ईयर्स, तो जो अंडरलाइन किए गए बच्चों उन्हीं को आपको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रैबिट का क्या हो जाएगा, ए रैबिट्स पहले में क्या हो जाएगा इसका, आपका वाक्य लिखा है, हम डायरेक्ट वो लिख रहे हैं, इसका चेंज, इसका कन्वर्जन फॉर्म में लिख रहे हैं, जो हम सही लिख रहे हैं, जो लिखा है उसको नहीं लिख, क्योंकि रैबिट है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, rabbits, यानी rabbits has, rabbits have,
हैस था क्योंकि अकेला रैबिट था, अब ये प्लूरल हो गया इसलिए यहां है पर जाकर रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स, ये आपका हो गया। आई डू नॉट रिमेंबर वेयर योर बुक इज, मुझे नहीं याद है कि आपकी पुस्तक कहां है। दूसरा दूसरा आई डोंट रिमेंबर वेयर योर बुक्स इज, इसमें केवल बुक को ही आपको परिवर्तन करना था, ये आपका हो गया बच्चों। तीसरा दैट नाइफ इज ब्लंट, तीसरा दैट दैट नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या होगा नाइफ, के एन आई वी ई एस नाइफ इज ब्लंट, ये आपका हो गया बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए द बैग्स वाज ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा द बैग, बैग का बैग्स हो जाएगा, बैग का बैग्स हो जाएगा। चौथे पे आ जाइए द बैग्स वाज इसलिए लगा था क्योंकि बैग अकेला था, अब ये बैग प्लूरल में हो गया तो यहां वर्ब लग जाएगा द बैग्स वर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल ये हो गया। द पुलिस मैन इज चेजिंग द थीप, आप देखिए बच्चों पुलिस मैन है तो पुलिस मैन का प्लूरल आपको लिखना है, पुलिस मैन का क्या हो जाएगा पुलिस मैन, यानी पुलिस मैन मतलब एक पुलिस की बात की जा रही है, पुलिस मैन हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, यानी द पुलिस मैन, द पुलिस मैन इज, द पुलिस मैन आर चेजिंग, चेजिंग अब यहां इज भी बदल जाएगा क्योंकि पुलिस मैन था तो इसलिए इज लगा था, सिंगुलर वर्ब लगी थी, सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर थी, अब यहां सब्जेक्ट प्लूरल हो गया इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है। चेजिंग द थीफ यानी चोर को पकड़ रहा है, इज दैट क्लियर बच्चों। अब आपका है ई वाला चेंज द अंडरलाइन नाउन इनटू सिंगुलर मेक द नेसेसरी, अब ये अब इसमें आपको अभी तक आपने प्लूरल में बदला था, अब आपको ये नाउन प्लूरल में ऑलरेडी दी गई है, इसको आपको सिंगुलर में चेंज करना है। ये एक एक्सरसाइज आप और देख लीजिए ई वाला, कह रहा था सन इन लॉज हेल्ड ए मीटिंग विद देयर फादर्स, सन इन लॉ, अब इसका आपको क्या सिंगुलर बदल, यानी सन इन लॉ हो जाएगा, द सन इन लॉ होल्ड हम लिख रहे हैं, यही आपको लिख रहा था सन इन लॉ, मतलब क्या होता है दामाद आप कह सकते हैं, द सन इन लॉ हेल्ड, हेल्ड था बच्चों ये सेकंड पार्ट थी क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था, अब सब्जेक्ट आपका बदल गया, ये आपका सिंगुलर में हो गया, इसलिए वर्ब कौन सी प्रयोग करेंगे आप सिंगुलर नंबर पर वर्ब इसके साथ प्रयोग करेंगे होल्ड, ए मीटिंग विद देयर फादर्स, विद देयर फादर, ये आपका हो गया बच्चों। दूसरा द बॉयज वर ईटिंग केक्स, लड़के केक खा रहे हैं, तो बॉयज यानी प्लूरल है सिंगुलर में बता दीजिए, द बॉय इज ईटिंग द केक्स, ये हो गया आपका। तीसरा देखिए द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज,
पत्तियां पौधों से गिरती हैं, लीव्स प्लूरल में है, इसका सिंगुलर का लीफ हो जाएगा, या L-E-A-F, लीफ। फेल फ्रॉम, द ट्रीज, ये आपका हो गया। अगला है बच्चों, द मेयर्स गेव बर्थ टू मेरी फॉल्स, तो क्या हो जाएगा चौथे में, द मेयर मेयर गेव बर्थ टू माई फॉल्स, बर्थ to my faults, ये हो गया बच्चों आपका। The dwarfs were friendly creatures, dwarf माने क्या होता है बच्चों, बावना या छोटे कद का व्यक्ति, तो पांचवा आपका हो जाएगा the dwarf was friendly creatures, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई बच्चों। अब जेंडर ऑफ नाउन आता है, तो जेंडर ऑफ नाउन आपको कल पढ़ाया जाएगा, जेंडर ऑफ नाउन्स। आज के लिए आपका इतना ही, नाउन पढ़िएगा, इसमें काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये सब आप तैयार करिएगा, नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया जाएगा।